देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। SDM अंबाला छावनी के कार्यालय में बिना अधिकार के पार्किंग की पर्चियां काटने का मामला सामने आने पर इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह मौके पर पहुंचे। SDM कार्यालय में पार्किंग के ठेके बारे जब नाजिर अंबाला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पार्किंग के ठेके की फाइल उपायुक्त अंबाला की ओर से उन्हें दी गई थी, लेकिन उन्होंने उक्त पार्किंग का ना तो ठेका दिया है और ना ही किसी को पर्ची काटने के लिए अधिकृत किया है, बल्कि फाइल वापस सेक्रेटरी रेड क्रॉस को भेज दी है। ओंकार सिंह ने सेक्रेटरी रेड क्रॉस विजय लक्ष्मी से फोन पर बात की, जिस पर उन्होंने कहा कि किसी को भी पार्किंग का ठेका नहीं दिया गया है और ना ही आज कोई सेक्रेटरी रेड क्रॉस के कार्यालय का व्यक्ति पर्ची काट रहा है। इस पर ओंकार सिंह SDM अंबाला को मिले और उन्हें सारे मामले से अवगत कराकर लिखित शिकायत दी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अपील की। सारा मामला सुनकर SDM अंबाला छावनी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे को कवर करने के लिए SDM कार्यालय आए। मुझे सुबह पता लगा कि SDM कार्यालय में कुछ लोग पार्किंग की पर्ची काट रहे हैं। जो ये पार्किंग की पर्ची है, कोर्ट पार्किंग अंबाला सिटी की पर्ची है, 18-7 की पर्ची है, ये पार्किंग की पर्चियां काट रहे थे कुछ लोग। इस संबंध में जब मुझे पता लगा, मैंने पता किया कि यहाँ की पार्किंग का ठेका तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसके संबंधित अधिकार नाजिर अंबाला को दिए गए। मैंने नाजिर अंबाला का फोन लिया और उनसे बात की कि आपने किसको ठेका दिया है। उन्होंने बोला हमने किसी को ठेका नहीं दिया, ना ही हमने किसी बंदे को पर्ची काटने के लिए लगाया है, हमने ठेके की फाइल वापिस सेक्रेटरी रेड क्रॉस को दे दी है। इस संबंध में जब मैंने सेक्रेटरी रेड क्रॉस श्रीमती विजय लक्ष्मी जी से बात करी तो उन्होंने बोला कि हमने किसी को ठेका नहीं दिया, ना ही हमारा कोई बंदा पर्ची काट रहा है। इसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो देखा कि जो बंदे पर्ची काट रहे थे वो यहाँ से जा चुके थे। अब मैंने लिखित में शिकायत SDM महोदय को दी है कि आपके कार्यालय में बिना इजाजत के, बिना ठेके के कौन व्यक्ति पर्ची काट सकता है। तो बहुत अजीब बात है, SDM अंबाला साहब ने तो बहुत अच्छी तरह से इसको कवर किया और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हम इसके बारे में बात करेंगे और जांच करेंगे और जिसने भी ये पर्ची काटी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।